It's a concept time. Now we will learn about trees and plants. Types of plants. अभी हम types of plants के बारे में देखेंगे. तो कितने types के trees होते हैं? अलग अलग types के होते हैं. एक जैसे tree आप कभी देखते हो? नहीं देखते. अलग अलग trees देखते हो ना, तो उसके भी अलग नाम होते हैं. There are different names. जैसे कि कोई बिग ट्री देख रहे हो, उसको ट्री बोलेंगे. बिग होता है उसको ट्री बोलेंगे. फिर थोड़े से स्मॉल होते हैं उसको श्रब्स. फिर हर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ट्री के बारे में. ट्री कैसा होता है? वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो बिग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और लंबा होता है उसको ट्री बोलते हैं. दे हैव अ थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. उसकी जो ट्रंक होती है वो बहुत बड़ी होती है. दे हैव मैनी ब्रांचेस दैट बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. उसमें क्या क्या होता है? फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड लीव्स. दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स. ट्रीज लीव फॉर मैनी ईयर्स. ट्रीज बहुत टाइम तक रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, कोकोनट ट्री एंड नीम ट्री. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज. ये सब ट्री के एग्जाम्पल है. नाउ नेक्स्ट, श्रब्स. श्रब्स किसको बोलेंगे? श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. श्रब्स ट्री से थोड़े स्मॉल होते हैं. दे हैव मैनी थिन ब्राउन एंड वुडी स्टीम्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड बुशीज. मोस्ट श्रब्स लीव्स ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स. ट्री से थोड़े स्मॉल होते हैं श्रब्स एंड वो उसके जो ब्रांचेज होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं एंड वुडी होते हैं उसके स्टीम्स. ओके, एंड श्रब्स भी बहुत टाइम तक रहते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स आर रोज, हिबिस्कस. ये सब एग्जाम्पल है श्रब्स के. नाउ हर्ब. विच टाइप? हर्ब. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट्स. हर्ब बहुत वीक प्लांट होते हैं एंड बहुत स्मॉल होते हैं. ट्री जितने बिग नहीं होते. दे हैव थीन ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टीम्स. दे लीव फॉर 3 to 4 months. वो कैसे होते हैं? ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टीम्स वाले होते हैं एंड वो बहुत टाइम तक नहीं रहते. हर्ब सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 months रहते हैं, बहुत टाइम नहीं रह पाते. और उसको, वो टाइप को हम क्या बोलेंगे? हर्ब. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड कोरिएंडर. मिंट और कोरिएंडर आपने देखा ही है, तो वो किसके एग्जाम्पल है? हर्ब के. नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टीम्स. क्लाइंबर्स कैसे प्लांट होते हैं? उसकी जो स्टीम्स होती है, मतलब कि उसकी जो ब्रांचेस होती है, वो बहुत वीक होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो टूट जाती है. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. और वो ऐसे सीधी नहीं रहती कभी भी. दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स, स्टिक्स और वॉल्स टू ग्रो. उसको ग्रो होने में स्टिक की ज़रूरत पड़ती है. स्टिक रखते हैं तो वो उसके ऊपर चढ़ती है या वॉल के ऊपर चढ़ती है. जो जब बिग होती है तो उसको किसकी सपोर्ट की ज़रूरत है? या तो दूसरे प्लांट्स की या स्टिक और वॉल्स की ज़रूरत पड़ती है. वो ऐसे ही बिग नहीं हो जाती और इसको बोलेंगे क्लाइंबर्स. फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट, ग्रेप वाइन. जो ग्रेप्स के होते हैं उसको क्लाइंबर्स बोलते हैं. ग्रेप्स किसकी टाइप है? क्लाइंबर. मनी प्लांट. मनी प्लांट आपके घर पे भी आपने देखा होगा, ठीक है, वो क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज क्रीपर. अभी मैं समझाऊंगी आपको क्रीपर के बारे में. क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स दैट मोस्टली ग्रो अलोंग द ग्राउंड. ये जो है टाइप,
उसको कहते हैं क्रीपर, और वो कहाँ होते हैं? ग्राउंड पे ही होते हैं। जनरली वो कहाँ देखने को मिलते हैं? ग्राउंड पे। दे हैव वीक स्टीम्स एंड थिन ब्रांचेस। दे यूजुअली बियर बिग फ्रूट। जनरली उसमें बिग फ्रूट आते हैं, और उसकी स्टीम्स एंड ब्रांचेस कैसे होती है? वीक होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती। एंड क्रीपर के एग्जाम्पल बॉटल गॉड एंड पम्पकिन एंड ऑल्सो वाटरमेलन। बॉटल गॉड, पम्पकिन, वाटरमेलन, ये सब किसके है टाइप्स? क्रीपर। उसको, ये टाइप्स के प्लांट्स को हम बोलेंगे क्रीपर्स। हेलो किड्स, इट्स टाइम टू लर्न टेंस एंड वंस। अभी हम टेंस एंड वंस के बारे में देखेंगे। तो जब भी आप काउंटिंग करते हो तो कैसे करते हो? वॉल्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने बॉल्स है? 10 बॉल्स। तो अभी हमें यहाँ टेंस लिखा है, देखो TENS, ये ऑलरेडी 10 का ग्रुप है, तो हमें ग्रुप वाइज काउंटिंग करना है। जैसे टेंस है तो पूरे ग्रुप को काउंट करना है। तो 10 का ग्रुप कितना हुआ? पूरे ग्रुप को काउंट करो अगर, तो 1 हुआ ये 1। पूरा ग्रुप कितना है 10 का? 1। तो हमें टेंस के बॉक्स में लिखना है 1, यानी कि 10 बॉल्स है, पर हमें यहाँ पे क्या लिखना है 10 की जगह? 1, 2, 3, 4। यू हैव टू राइट डाउन 4 इन द बॉक्स। वंस के बॉक्स में आपको 4 लिखना है। तो टोटल बॉल्स कितने हुए? 1 for 14। 1 for 14। हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? 1 for 14। अभी हमें ग्रुप्स काउंट करते हैं। स्टार्स के कितने ग्रुप्स है? वैसे 1, 1, 2, 3, 4 वैसे करने जाए तो यहाँ पे 10 होगा। पूरे ग्रुप को काउंट करते हैं, 1, 2, 3। ऐसे ग्रुप वाइज काउंटिंग करनी है। 10-10 के ग्रुप्स होते हैं, उसके वाइज काउंटिंग करनी है। 10 का एक ग्रुप होगा, दूसरा 10 का ग्रुप है, तीसरा। तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 1, 2, 3। 3 ग्रुप्स आर, तो यू हैव टू राइट डाउन 3 इन द टेंस बॉक्स। 1, 2, 3, 4 स्टार्स। टोटल स्टार्स 34। वैसे ही टेंस में ग्रुप होते हैं, उसके वाइज काउंटिंग करते हैं। तो टोटल स्टार्स कितने हुए? 34। एंड टोटल बॉल्स? 1 for 14। इट्स अ वर्कशीट टाइम। नाउ वी विल डू वर्कशीट। रीड द इंस्ट्रक्शन, मैच द फॉलोइंग। ये जो अलग अलग ट्रीज के टाइप्स है उसके साथ हमें ट्रीज या प्लांट्स को मैच करना है। जैसे कि ये क्या लिखा है? क्लाइंबर, CLIMBER, क्लाइंबर। तो क्लाइंबर कैसा होता है? जैसे कि कोई अगर ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ता है, जैसे कि ऐसे स्नेक जैसा हो ना, स्नेक कैसे चलता है ऐसे ऊपर जाता है, वैसे ही इसमें से कौन आपको लग रहा है, कौन ऊपर जा रहा है? दिस वन। तो क्लाइंबर को मैच करना है ये पिक्चर के साथ। आपने मनी प्लांट देखा है? वैसे ही। नेक्स्ट, थ्रोनी प्लांट, यानी कि जिसमें बड़े बड़े थ्रोन्स होते हैं, वो कौन सा है प्लांट? थ्रोनी प्लांट ये रहा। हर्ब, दिस वन इज हर्ब। ट्री, कौन सा है? ये रहा बिग ट्री। क्रीपर, जो ग्राउंड पे रहता है, दिस वन इज क्रीपर। एंड पम्पकिन। श्रब, ट्री से थोड़ा स्मॉल श्रब। ओके, क्लाइंबर, थ्रोनी प्लांट, हर्ब, ट्री, क्रीपर, श्रब।
Now next page, join the missing parts to the correct pictures. करेक्ट पिक्चर के साथ आपको मिसिंग पार्ट्स ज्वाइन करने हैं. कलर द पिक्चर्स. क्लाइंबर, हर्ब, क्रीपर, श्रब. ब्यूटिफुली इसमें कलर करना है, बहुत अच्छे से कलरिंग करना है. देखो सभी प्लांट्स में आपको अलग अलग कलर करने हैं. क्लाइंबर में, हर्ब में, क्रीपर में, श्रब में. ओके, ट्रेस एंड राइट विच लेटर इज दिस. जे. जे कैसे करना है देखो. जैसे आपने आई किया था ना वैसा है, पर थोड़ा सा डिफरेंट. कैपिटल जे एंड स्मॉल जे. स्मॉल जे. ट्रेस द पैटर्न्स. देखो कितनी अच्छी पैटर्न्स दी है, वो आपको ट्रेस करनी है. डॉट लाइन पे आपको ट्रेसिंग करना है ऐसे. राइट द टेंस एंड वंस प्लेस फॉर द नंबर्स इन ईच रो. देखो यहाँ पे 10-10 के ग्रुप्स दिए हैं. ये काउंट करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये 10 का ग्रुप हो गया. कितना है ये, हमारा 1 नंबर दे देते. ठीक है, नेक्स्ट सर्कल एंड 2, सर्कल एंड 3. 10-10 के कितने ग्रुप्स हुए, 3. तो आपको टेंस के प्लेस पे लिखना है 3. 1, 2, 3, 4, 5. कितने हैं, 5. ये 3 का ग्रुप है और ये कितने ऑब्जेक्ट्स है, 5. टोटल 35. यू हैव टू राइट 35 इन दिस बॉक्स. नाउ काउंट द ब्रिंजल्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये 10 का ग्रुप हुआ. पूरे ग्रुप्स को काउंट करना है. टेंस में क्या करना है, पूरे ग्रुप को काउंट करना है. देखो 1, 2. How many groups are there? 2. यानी कि total brinjals 2020 है, पर हमें सिर्फ 2 लिखना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26 brinjals. यहाँ पे groups count करने हैं tens में और इधर 1 by 1 सब count करना है. Total brinjals 26. ये देखो 10-10 का ग्रुप है, तो ग्रुप को कैसे काउंट करना है, ऐसे 1-1 करके नहीं, पूरे 10 को ग्रुप को. 1, 2, 3, 4. कैबेजेस के कितने ग्रुप हुए, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 48. टोटल कैबेज 48. ओके, अभी ये कितना ग्रुप है, ओनली 1. 10 का कितना ग्रुप है, 1. पोटेटोज का ग्रुप 1. राइट डाउन 1. 1, 2, 3, 4. 1, 4. 1, 4. 14. टेंस में लिखना है 1 एंड 1s में लिखना है 4, यानी कि 1, 4, 14.